हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है सीईबीआर की, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। देखिए ये रिपोर्ट है, जब भी आती है इसकी काफ़ी चर्चा होती है इस रिपोर्ट की, क्योंकि कोई रिपोर्ट आती है तो फिर उसमें क्या है कि वो उसके डेटा के बारे में बात होती है कि ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट का ऐसा रहता है कि ये किसी के कम नहीं बताता है, लगभग उससे ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस या फिर ख़राब बताइए तो उससे ज़्यादा ही खराब निकलेगी। इसलिए ये थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट रहता है कि ये रिपोर्ट लगभग लगभग बताती है उससे अच्छा ही होगा। अगर किसी बारे में इसने पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो उससे पॉजिटिविटी ज़्यादा ही रहेगी, पॉजिटिव ग्रोथ, और अगर नेगेटिव ग्रोथ बताए तो जो बताए उससे ज़्यादा ही रहेगी, उससे कम नहीं रहती है। अभी रिसेंटली इसकी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि 2035 तक इंडिया है जो थर्ड कंट्री हो जाएगा 10 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे इसकी जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें इसने क्या बताया था सीईबीआर ने, ये लंदन बेस एक रिसर्च सेंटर है जो इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड ये रिपोर्ट रिलीज करता है। इसका एनुअल एडिशन आता है इस नाम से, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, इस नाम से इसका एक हर साल एक एनुअल पब्लिशिंग होती है इकोनॉमी के फील्ड में, ग्लोबली और नेशनल लेवल्स पे भी डिफरेंट डिफरेंट नेशंस और ग्लोबली भी ये इसका रिलीज करता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल कौन रिलीज करता है, सीईबीआर करता है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, ये लंदन बेस्ड है। अभी इंडिया के बारे में जो बताया है इसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो इसने बताया कि 2035 तक ये थर्ड कंट्री बन जाएगा जिसकी इकोनॉमी है जो 10 ट्रिलियन की होगी। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया 2035 में वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, ये इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो जीडीपी है 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ये इसका मतलब है। क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट है वो इसकी रिपोर्ट में देखेंगे वो कब बताया है। एक और इसकी रिपोर्ट में जो आया है उसमें बताया है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही पूरे वर्ल्ड में है वो रिसेशन रहेगा, मंदी का दौर रहेगा, रिसेशन रहेगा, और ये इसने एक चिंताजनक रिपोर्ट निकाली है कि लगभग जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी लेकिन इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं होगा, और इंडिया में मंदी का इतना असर नहीं होगा। उसकी वजह बताई है, एक तो इसने बताया है कि जो इंडिया की सॉफ्ट परचेजिंग पावर रही है अभी रशिया के साथ, जो इंडिया ने डिस्काउंट में ऑयल परचेज किया है रशिया से, शायद वो 30% डिस्काउंट में किया था, एक तो वो वजह बताइए, उससे एनर्जी सिक्योरिटी में इश्यू नहीं रहेगा, और दूसरा फूड सिक्योरिटी का इंडिया का जो डिमांड और सप्लाई रेशियो है वो बताया है कि वो लगभग बैलेंसिंग में हो जाता है, क्योंकि इंडिया इसको लेकर पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है कोविड के बाद से ही। और एक बताया है कि जो आरबीआई है उसने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, इंक्रीज किया इंटरेस्ट रेट, उसकी वजह से भी इंडिया में इतना असर नहीं होगा इन्फ्लेशन का। देखिए अभी आप देखेंगे आरबीआई ने होम लोन वगैरह की रेट इंक्रीज की है, उसके बावजूद इस साल लगभग 3.6 लाख लोगों ने इस एक साल में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में घर खरीदे हैं शहरों में। तो ये है कि ये ही कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्रो कर रहा है। अब इसका देखते हैं इसकी जो लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें क्या बताया था। इसकी जो लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि इंडिया 2021 से और 2025 के बीच में वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो अभी 2022 में इंडिया है जो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसने 2021 से 25 के बीच में बताया था कहीं, और इसने बताया है कि 2025 से और 30 तक इंडिया है जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा वर्ल्ड में। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो वर्ल्ड बैंक है इनकी रिपोर्ट देखें तो IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया 2028-2029 में
28 और 2029 में ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। अभी देखिए यूके को सरपास, यूके को तो बीट किया है, अभी जर्मनी है, जर्मनी की जो इकोनॉमी है अराउंड 4 ट्रिलियन है डॉलर, और इंडिया की है 3.6 और 3.7 के समथिंग है। तो इसका एस्टिमेशन ये है कि ये जो 2025 में फिफ्थ बताया गया है, ये होपफुली 2025 में तो फोर्थ पे हो जाएगा। और इसकी ये जो वजह है ये यही बताई है कि इंडिया की जो सप्लाई और डिमांड चेन है, और कोविड के बाद से जो चीज़ों पे, बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंसी कम रही है इंडिया की, इंडिया का जो हर चीज़ में मेक इन है, मेड इन है, इन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बजाय इम्पोर्ट के। इम्पोर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं इम्पोर्ट बंद हो गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पॉसिबल है वो यहीं की जा रही है, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया है। और लगभग लगभग जितनी भी टॉप 10 इकोनॉमी है वो सब है, उन पे असर पड़ेगा सिवाय इंडिया के, इस रिपोर्ट में ये बताया है। आप अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस रिपोर्ट के बारे में पढ़िएगा। ये अभी 191 कंट्रीज की इसने रिपोर्ट जारी की है CBR ने, ये आपके ध्यान में रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, वो ये पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस। देखिए ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है, ब्रेटन वुड सिस्टम है US, कनाडा, या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है, स्पेशली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इनने इनको मिला के, और 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिस जो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन का है कहें, या इसको इसी को कहा जाता है जो 1944 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, और वो है बिजनेस और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है इन कंट्रीज का, उसका नाम, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और इसी कॉन्फ्रेंस में ये क्रिएशन हुआ है ट्विंस का, और ये ट्विंस है IBRD और IMF, ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। रेगुलर आप है जो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच।